हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ टहलने के लिए बाग में, तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ जानकारी दी जाए कुछ। तो आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाली है, और उस जड़ी बूटी का नाम है बूटी, जो हमारे गाँव में बूटी भी कहते हैं और कुछ लोग उसको बिसेंदा भी कहते हैं, और जैसा जैसा गांव का हिसाब होता है वैसे वैसे उसका नाम ले लेते हैं लोग, वैसे अधिकतर उसको बूटी ही कहते हैं। तो उस जड़ी बूटी का नाम हम आपको बता दिया है हमने आपको, और आज हम आपको उस जड़ी बूटी के फायदे बताएंगे। गाइस, जब आप लोग घूमने के लिए जाते हैं खेतों में या काम करने के लिए जाते हैं, हम भी जाते हैं, कभी कभी हमारा हाथ भी कट जाता है, पैर में भी चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो हम इसी बूटी का उपयोग करते हैं। तो हम उस जड़ी बूटी को ढूंढते हैं और उस बिरबा को ढूंढते हैं, और हम आपको वो पूरा बिरबा दिखाएंगे, वो जड़ी बूटी दिखाएंगे कि किस तरह आपको लगानी है और कौन सा बिरबा है, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारी वीडियो में। तो चले दिखाते हैं उस जड़ी बूटी के बारे में। आप सोचते होंगे कि वह कैसी जड़ी बूटी होगी, आप उस जड़ी बूटी को डालते ही डालते आपका ब्लड जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ब्लड बंद होगा शायद दर्द ना बंद हो, तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, उस जड़ी बूटी को निचोड़ते ही आपके जैसे कि हाथ में या फिर जख्म है या फिर कहीं पर भी है, डालते ही डालते तुरंत ही तुरंत बिल्कुल अपना असर दिखाएगी और दर्द बंद हो जाएगा। आज दोस्तों चलते हैं, फिर आपको उस जड़ी बूटी के बारे में दिखाते हैं। चलो दोस्तों, उस बूटी को ढूंढते हुए देखते हैं, यही आसपास देखी थी हमने कल, और बहुत ही अच्छी बूटी है। आइए दिखाते हैं आपको उस बूटी के बारे में, और वीडियो में बने रहे और उस बूटी को पहचाने, ताकि अचानक आप बाहर हो और आपके ब्लड बह रहा है, कुछ भी चीज लग गई है, तो आप उस बूटी को निचोड़े और उसका अर्क डालें अपने जख्म पर, तो तुरंत ही राहत मिलेगी, दर्द से भी राहत मिलेगी। आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह देखते हैं। बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है दोस्तों। यहाँ पर भी जड़ी बूटी खड़ी है, वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कैमरामैन यहाँ आई है, ये भी है। हम ये बूटी आपको दिखाएंगे दोस्तों, यही वो जड़ी बूटी है। गाइस, यही वो जड़ी बूटी है, जब हमारे कहीं पर भी चोट लग जाती है, अचानक से कहीं पर भी करदा लग जाता है, चोट लग जाती है, या कहीं पर भी कट जाता है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कहीं पर भी चोट लग जाती है, तो ब्लड बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। तो गाइस, हम आपको इस जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये वही जड़ी बूटी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। इसको ऐसे करके आपको तोड़ना है। ऐसे करके आपको तोड़ लिया इसके पत्ते तोड़ने के बाद आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके इसको करेंगे, ठीक है। फिर इसमें से ऐसे करके अरक निकलेगा, अरक अगर कम है, ये भी जड़ी बूटी है, देखिए ये आसानी से मिल जाती है, कहीं पर भी खेतों में इधर उधर बहुत खड़ी होती है। ये देखिए, ऐसे करके इसको तोड़ना है, जल्दी से इसको तोड़ना है, ऐसे करने के बाद फिर इसको ऐसे करके निचोड़ना है। ये देखिए ऐसा करके इसका अरक निकलता है, ये देखिए, ये ऐसा हो जाता है और इसका अरक निकलता है, इसका जूस, ऐसे करके इसका जूस बन जाता है। देखिए कितना बन गया है, और गिर भी गया है नीचे, ये देखिए यहाँ पर गिरा है नीचे। गाइस, ये ऐसा बन जाता है, और इसको हम ऐसे करके और इस जड़ी बूटी को, इस बिरबा को ऐसे करके और उस जख्म पे ऐसे करके निचोड़ देंगे, इसका अरक जो है वो ऐसे करके हम निचोड़ देंगे, ऐसे करके निचोड़ के, तो इसका जो पानी है वो बिल्कुल जख्म पर गिरना चाहिए, जहाँ पर भी जख्म है, जहाँ पर भी करदा लगा हुआ है, ब्लड बह रहा है, उसी जगह पर इस बूटी को उसी जगह पर ही गिरना है। जब ये उस पर गिरेगा तो तुरंत हैंड टू हैंड ब्लड रुक जाएगा। ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही देसी जड़ी बूटी है, और बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी है दोस्तों, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है, उसको ध्यान से पहचान लीजिए। हम आपको एक बार फिर इसका फोटो दिखाते हैं, ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, और इसके छोटे छोटे पौधे ऐसे होते हैं, ये छोटे छोटे पौधे ऐसे होते हैं इसके, और अभी ये जम रहा है, इसकी उम्र अभी छोटी है, ये पौधा और भी बड़ा हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद, जब धान कटते हैं तब ये बहुत बड़ा हो जाता है पौधा। ये देखिए,
ये ऐसा होता है, इसकी जो डंग होती है, इसकी जो लकड़ी जैसा होता है, ये ऐसे कलर का होता है, थोड़ा बैंगनी कलर का होता है ऐसे करके। अब इसी को ऐसे करके निचोड़ना है, ये देखिए। अब इसको उसके बाद में इसका जूस जो है वो निचोड़ देने के बाद में इसको जख्म पर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही इसको रख दें। ऐसे ही जब आप इसको रख देंगे तब ये उसकी जितना भी ब्लड है उसको रोक देगा, बिल्कुल भी रोक देगा और ब्लड नहीं निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी गाइस, तो हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों ऐसी ऐसी हम आपको बहुत सी जानकारियाँ और बहुत सी अच्छी बातों को हम बताएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।